हबुका किचन में आज हम ग्रेवी बनाएंगे। इस ग्रेवी का यूज करके आप वेज और नॉन वेज भी बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आज हम इस ग्रेवी का यूज करके चिकन की रेसिपी बनाएंगे। मेरी ये ग्रेवी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 4 हरी इलायची, 5 से 7 लविंग, 2 छोटे टुकड़े तज के और 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने के बाद 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च टुकड़ों में कटी, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसे ठंडा करके मिक्सी जार में इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम ग्रेवी रेडी करते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच मरी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। भून लेने के बाद प्याज और टमाटर की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज की पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर ग्रेवी कुक होने तक पकाएंगे, यानी 7 से 8 मिनट तक इसे पकाना है। ग्रेवी रेडी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इस ग्रेवी का यूज करके हम चिकन बनाते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे, 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी चिकन ले सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे कुक करना है। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें बनाई हुई ग्रेवी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी ऐड करें।
चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को ग्रेवी के साथ हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट तक भूनेंगे। भून लेने के बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर चिकन कुक होने तक पकाएंगे। चिकन के साथ ग्रेवी रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म नान या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।